हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टाइप डॉक्टर वंस अगेन। कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपने इस चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रहते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ड्रोन रूल्स, ड्रोन रेगुलेशन, एवरीथिंग अबाउट ड्रोन। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी, गिम्बल्स वगैरह के ऊपर भी मेरा इंटरेस्ट है, तो वो भी मैं करता रहता हूँ। तो बन रही है इस वीडियो के साथ। आज मैं लाया हूँ, जैसे जियो, कल मैंने हमने पिछले वीडियो में बताया था, आपने बहुत सारा रिस्पॉन्स दिया कि जियो नेट फाइबर, जियो फाइबर नेट मैंने हमने लगवा लिया है। और इसमें कुछ एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे आया वो था, हाउ टू कनेक्ट योर जियो मॉडेम विद योर राउटर, डुअल बैंड राउटर। तो बताने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये लेते हैं, फिलहाल ये भी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्लान्स का क्या चल रहा है। प्लान्स अभी आपको बता दूं, अनाउंस किए गए हैं, जो वेबसाइट के ऊपर आपको प्लान्स दिख रहे हैं 7-8, सब कोई उसके बारे में बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ रियलिटी, क्योंकि मैंने लगवाया है। तो वो जो प्लान्स हैं वो अभी एक्टिव नहीं हुए, दे आर नॉट एक्टिव येट। कोई भी ब्रांड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी हैं, अगर उनकी आपने डिटेल्स लेनी तो हमारा ब्लॉग है gadgetmadam.com के नाम से, और वो भी मैंने गूगल एडसेंस से प्रूव कराया हुआ है, करा लिया है, और 20 दिन में करा लिया है। ये भी काफ़ी बड़ा अच्छी बात है, काफ़ी लोगों को नहीं पता कैसे करवाते हैं, इस पर भी एक वीडियो आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ उस ब्लॉग के ऊपर कैसे हमने 20 दिन में उसका एडसेंस अप्रूव करा लिया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बात कर रहे थे प्लान्स की, तो फिलहाल कोई भी भाई साहब प्लान शुरू नहीं हुआ है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको 2500 रुपये ले रहे हैं वो। 2500 लेने के बाद ये मॉडेम जो है, जो जियो फाइबर का लेटेस्ट मॉडेम, इसके साथ ही बाकी सारी चीज़ें चलेंगी, वो इसके साथ ही आपका सेटअप बॉक्स जो जियो का आएगा वो कनेक्ट होगा। इसके साथ ही फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, मैंने लगा लिया, इसके साथ ही नेट चल रहा है। तो ये जो मॉडेम है काफ़ी अच्छा क्वालिटी में, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखा मैंने सजेस्टेड में वीडियो दे दिया है, देख सकते हैं। अब इसके अगर आप अकेला यही लगाते हैं तो ये भी इनफ है, बट ये आपको देगा 50-60 Mbps तक की स्पीड। अब जो लोग मेरी तरह, जैसे मुझे चाहिए थी, काफ़ी गेमिंग वाले लोग हैं जिनको 50-60 से, मतलब 100 वाला प्लान है तो 50-60 क्यों लें, तो पूरी 95 या 98 तक स्पीड लेने के लिए आपको चाहिए डुअल बैंड राउटर। अब वो डुअल बैंड राउटर के मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, जिसने खरीदना है खरीद ले। मैंने पास थोड़ा हाई एंड का है, 4K तक उसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन बेसिक डुअल बैंड राउटर्स 3-4 हज़ार से शुरू हो जाते हैं। तो वो कैसे कनेक्ट किया जाए वो है सवाल, क्योंकि वो एज सच बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा सीधा है, बस थोड़ा ट्रिक है। अगर सीधा आप कनेक्ट कर देंगे उसमें वायर तो नहीं चलेगा राउटर। और करना क्या है आपको वो मैं बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको लिंक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्ट कैसे करना है। टीपी लिंक का C2300 आर्चर, और ये काफ़ी हाई एंड अच्छा है। अगर आपने ये परचेज़ करना है तो आपको लिंक मैंने दिया हुआ है, बाकी बजट वाले का भी लिंक दिया हुआ है। तो इसके पीछे में से एक वायर आती है मेन, हर एक राउटर में दी होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अलग से कलर में दी होती है ब्लू, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है उसमें लिखा होता है इंटरनेट, ये जिसमें वाइट वायर जा रही है ये वाला। तो यहाँ पर आपने लैन वायर डालनी है, ये आपको लैन वायर मॉडेम अपना, जो मेरे पास तो पहले से थी, बाकी ये जो हमारा अपना मॉडेम आता है इसके साथ भी आपको मिलती है येलो कलर में, ये देखिए। तो ये भी लैन वायर है, तो ये लैन वायर आपके रूटर से होती हुई, ये हमारा है जियो फाइबर का मॉडेम, ये देखिए। इसके पीछे जो फर्स्ट पोर्ट है, दिखा देते हैं आपको, ये देखिए जिसमें ग्रीन लाइट जग रही है, तो यहाँ पर आपने इसको लगा देना है बस। तो कनेक्शंस के नाम पर बस एक कनेक्शन है, इसके लैन वन में आपने लैन वायर डाली और इसके इंटरनेट पोर्ट में डाल दी। इसको करने के बाद सारा काम अब है सॉफ्टवेयर का। तो आपने इतना काम कर लिया, कनेक्शन बना लिया, मतलब हार्डवेयर कनेक्शन बन लग चुके हैं, अब सारा काम है सॉफ्टवेयर का। अब हर एक ये टीपी लिंक के नहीं, कोई भी आप अगर आप राउटर लेते हैं उसके बॉक्स के ऊपर या उसकी साइट पर चले जाइए मॉडल के साथ, वहाँ पर डिटेल दी होती है कि उस राउटर का IP प्रोटोकॉल क्या है या IP नंबर क्या है। तो वो आपने करना है अपने लैपटॉप के ऊपर विजिट, जैसे मेरे का है 192 से शुरू होता है, तो वो जैसे आप करेंगे तो इस तरह से आपको एक पोर्टल मिल जाता है, उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने तो अपना ईमेल आईडी से कर रखा है,
तो वो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये जब आप लॉगिन कर लेंगे तो सारा आपको सेटअप दिख जाएगा। अब ये मेरा सेटअप है। इसके बाद आपको टीपी वाले लिंक में यहाँ पर आपको दिखेगा क्विक सेटअप। तो जैसे ही आप क्विक सेटअप में जाएंगे, सारा कुछ ऑटोमेटिक है, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है यहाँ से। तो वो नेक्स्ट के बाद अपने आप ऑटो डिटेक्ट करेगा। ये देखिए, ये ऑटो डिटेक्ट का फीचर है। अब मेरे वाला जो, अगर आपने मैनुअल करना तो मैनुअल, वैसे ऑटो डिटेक्ट का फीचर होता है तो आपने पंगे लेने नहीं है। वैसे ये डायनेमिक आईपी है जियो फाइबर का, तो अपने आप वो सिलेक्ट कर लेगा डायनेमिक आईपी। अदरवाइज़ मेरा पिछली बार जो नेट था वो ट्रिपल पी ओ ई पे था, तो इसने ऑटोमेटिक ट्रिपल पी ओ ई ले लिया था। अब ये डायनेमिक आईपी है तो इन्होंने ऑटोमेटिकली डायनेमिक आईपी पे ले लिया। उसके बाद बस कुछ नहीं करना, ये करने के बाद नेक्स्ट 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 करते जाना है और आपका जो नेट है। तो फ्रेंड्स, ये था इजी से सेटअप। बस आपको वहाँ पर जाना है अपने राउटर के होम पेज पे, जिस पे आईपी एड्रेस पे वो बॉक्स के ऊपर दिया होता है, उसके बाद आपने सब ऑटो डिटेक्शन करना है, क्योंकि आजकल कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी है। मैनुअल भी कर सकते हैं अगर आपका आता है, अदरवाइज मैनुअल पंगे लेने की जरूरत नहीं है। ऑटो में जाइए, हर एक में ऑप्शन मिलती है, ऑटो में जाना है, उसके बाद नेक्स्ट ये करके अपने आप आपका जो राउटर है चल पड़ेगा। बस इतना सिंपल स्टेप है, उसके बाद आपको ये नेट आपका जो राउटर के पासवर्ड्स हैं उस पर चल सकेगा। फ़ायदा इसका ये है कि जब आप डुअल बैंड पे आएंगे तब आपको 90 तक स्पीड दिए दे देगा। दूसरा राउटर का ये फ़ायदा है, राउटर में आपको एक बार पासवर्ड अपने सेट करने हैं, उसके बाद आप कोई भी कनेक्शन लगाएं, मॉडम कोई भी लगा लें, अगर आपने एयरटेल पे शिफ्ट होना है, जिस पे मर्जी शिफ्ट होना, तो आपके पासवर्ड सेम रहेंगे। सिर्फ पीछे से मॉडम का कनेक्शन बदलेगा, वो लैन वायर मॉडम एयरटेल के मॉडम में लग जाएगी, बाकी आपके पासवर्ड सेव रहेंगे। इसका एक ये फ़ायदा है। तीसरा, जैसे हाई एंड, जैसे हमारे पास राउटर हाई एंड है, इसके ऊपर इसमें स्टोरेज भी कर सकते हैं। वैसे ये स्टोरेज वाला फीचर नेटवर्किंग के लिए जियो का जो मॉडम आ रहा है उसमें भी दिया हुआ है, तो दैट इज़ अ यूएसपी अगेन, क्योंकि वैसे मॉडम्स में ऐसा हाई एंड फीचर नहीं आता। तो जो हमारा जियो का मॉडम है, इसमें भी लास्ट जो पोर्ट है उसमें यूएसबी पोर्ट है, वहाँ पर आप हार्ड डिस्क लगा के नेटवर्किंग स्टोरेज लगा सकते हैं। तो ये था ट्यूटोरियल, जिसमें आपको पता लग गया होगा कैसा करना है आपने कनेक्ट अपना जियो फाइबर का मॉडम विद योर राउटर। और भी कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी सेटअप बॉक्स अभी नहीं आया है, सेटअप बॉक्स के ऊपर भी डिटेल्स हमने गैजेट मैडम पर डाल दिए हैं, क्या क्या उसके नए फीचर्स हैं। और जब मेरे पास आएगा, एक दो हफ्ते उसमें लगने हैं अभी, वो जब आ जाएगा तब आपको उसका रिव्यू वगैरह सारा कुछ जो भी कुछ उसमें है वो आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। और लास्ट पॉइंट कि डाटा कितना आ रहा है, कई लोग कह रहे थे अभी जो आप कह रहे हैं कि 2500 रुपये देने हैं, तो उसमें आगे क्या हिसाब था, उसका हिसाब तो क्लियर बता दो। 2500 रुपये भी देने हैं, उसके बाद कुछ पेमेंट नहीं करनी मुझे। अब सेटअप बॉक्स या नए प्लान्स को एक्टिव होने में चाहे महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 2 हफ्ते लगे, जैसे नए प्लान्स एक्टिव हो जाएंगे तो हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल जब तक वो एक्टिव नहीं होते तब तक हमें 1 रुपया भी नहीं भरना। हमें महीने का 1100 GB डाटा मिलता है, 100 GB का एक पैक मिलता है, जो भी मेरा एक्टिव पहला पैक चल रहा है, जैसे ही वो ख़त्म होगा मैं दूसरा पैक डालूंगा और उस पैक वो पैक 0 रुपीज़ में रिचार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से 11 पैक मुझे एक महीने में मिलेगी, दैट मीन्स 1100 GB डाटा मेरे पास है इस प्लान के अंदर अनलिमिटेड, जब तक नए प्लान्स एक्टिव नहीं होते। और नए प्लान जब एक्टिव होंगे, जितना डाटा मुझे चाहिए वो प्लान्स में जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो फॉर सिल्वर प्लान। और जो गिफ्ट्स और गुडीज़ की बात हो रही है, स्पीकर टीवी वगैरह, वो भी अभी कुछ नहीं है, वो जब नए प्लान एक्टिव नहीं हुए, जब वो एक्टिव हो जाएंगे उनकी पेमेंट हो जाएंगी, उसके बाद वो गिफ्ट्स आएंगे, तो उनके लिए अभी आना अभी वेट करनी है। तो ये था आज का वीडियो, आपको पसंद आएगा। ड्रोन्स पे अपडेट आएंगी बने रहे इस वीडियो के साथ। ये भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी यूट्यूबर है उसको इंटरनेट चाहिए और जियो फाइबर इज़ ऑन हाइप, तो हर एक को पता लगना चाहिए जियो फाइबर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या फीचर्स हैं। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो। और कोई भी सवाल है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, जय माता दी।